डियर स्टूडेंट, आज हम स्टीम जनरेटर में क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि स्टीम जनरेटर को कितने तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ट्यूब की बेस पे, ट्यूब कंटेंट में क्या है। दूसरा क्लासिफिकेशन एक्सेस ऑफ सेल की बेस पे, कि सेल की एक्सेस कैसी है। तीसरा मेथड ऑफ फायरिंग की बेस पे, कि फायरिंग हम इंटरनल कर रहे हैं कि एक्सटर्नल कर रहे हैं। मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन की बेस पे। पाँचवा नेचर ऑफ सर्विस की बेस पे। छठवा नेचर ऑफ ड्राफ्ट की बेस पे। अगला जो सातवां है, नंबर ऑफ ट्यूब के बेस पे, कितनी ट्यूब्स लगी हुई हैं। और फिर आठवां जो है, प्रेशर ऑफ स्टीम के बेस पे। इस तरीके से हम स्टीम जनरेटर को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ट्यूब कंटेंट पे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम जनरेटर, जिसे कि हम बॉयलर भी बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, ट्यूब कंटेंट के बेस पे है। तो ट्यूब कंटेंट में जो सबसे पहला आता है, वो आता है वाटर ट्यूब बॉयलर। अब वाटर ट्यूब बॉयलर का मतलब क्या होता है? वाटर ट्यूब बॉयलर उस बॉयलर को बोला जाता है जहां पे कि ट्यूब के अंदर पानी रहता है और सराउंडिंग में गैसेस, हॉट गैसेस फ्लो होती हैं, उस बॉयलर को वाटर ट्यूब बॉयलर बोला जाता है। तो ट्यूब्स के सराउंडिंग्स में जो गैसेस फ्लो हो रही हैं, स्टीम के द्वारा क्रिएट किए थे कि जो फर्नेस में गैस बनाई गई है, यानी कि जब कम्बशन किया था फ्यूल का, तो गैसेस फ्लो होती हैं और उन गैसेस के पास किया जाता है सराउंडिंग्स ऑफ ट्यूब पे। तो जो वेबकॉक और विलकॉक्स टाइप का बॉयलर है, ये वाटर ट्यूब बॉयलर कहलाता है। तो एग्जांपल पे यहाँ पे हम वेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा हमारे पास बॉयलर है फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर वो बॉयलर कहलाता है जिसमें कि ट्यूब के अंदर हॉट गैसेस पास होती हैं और सराउंडिंग्स में वाटर फ्लो होता है, उसे हम फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। तो जितनी भी हीट एनर्जी फ्लो गैसेस की, उसको वाटर की तरफ ट्रांसफर किया जाता है, ताकि वाटर जो है स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके और उसको हम फिर यूटिलाइज कर सके एज पर द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो सिंगल ट्यूब के बॉयलर है, यानी कि बोलना चाहिए जो कॉर्निस बॉयलर है, या जो नंबर ऑफ ट्यूब में ज्यादा है लंकाशायर बॉयलर, वो हमारे इसमें आते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ कॉर्निस बॉयलर एंड लंकाशायर बॉयलर जो है फायर ट्यूब के अच्छे एग्जाम्पल हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, फायर ट्यूब बॉयलर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ट्यूब के अंदर गैसेस फ्लो होती है, सराउंडिंग्स में वाटर फ्लो होता है। तो ये फायर ट्यूब बॉयलर है जिसमें कि दिखाए गए हैं कि फ्लू गैसेस किस तरीके से फ्लो हो रही है और स्टीम किस तरीके से हम जब तैयार हो रही थी तो उसको हम किस तरीके से दूसरे साइड पे यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से वाटर ट्यूब बॉयलर को भी यहाँ पे डायग्राम पे दिखाया गया है कि ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो होता है, जैसा कि वेबकॉक विलकॉक्स टाइप का बॉयलर है जिसमें कि थर्मो साइफन सिस्टम काम करता है, यानी कि दो तरफ के हेडर रहते हैं, एक अपटेक हेडर रहता है जिसमें दूसरा डाउनटेक हेडर रहता है, जिसमें कि स्टीम जो है पास होती है और स्टीम को तैयार हम बॉयलर ड्रम में तैयार करके उसको दूसरे एंड पे यूज करते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन एक्सेस ऑफ सेल पे है। एक्सेस ऑफ सेल की बेस पे हम बॉयलर को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला आएगा वर्टिकल बॉयलर। यदि एक्सेस वर्टिकल है तो उसे वर्टिकल बॉयलर बोलेंगे, और यदि एक्सेस हमारी ओरिएंटल है तो उसे ओरिएंटल बॉयलर बोल देंगे। तो सब कुछ एक्सेस पे डिपेंड कर रहा है। एक्सेस यदि वर्टिकल पे कर देंगे बॉयलर की, तो उसे वर्टिकल टाइप के बॉयलर में कैटेगरी में ला देंगे, और यदि हम ओरिएंटल एक्सेस कर देंगे तो उसे ओरिएंटल टाइप की कर देंगे। तीसरा है हमारा मेथड ऑफ फायरिंग, किस तरीके से बॉयलर के अंदर फायरिंग की गई कंबशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, उसके बेस पे हम यहाँ पे क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो पहला होता है एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर, और दूसरा होता है इंटरनली फायर। यदि फर्नेस जो है बाहर साइड पे लगी है जिसमें कि फायरिंग हो रही है, फ्यूल का कम्बशन हो रहा है, उसे हम एक्सटर्नली फायर बोलेंगे। लेकिन यदि फर्नेस के अंदर पे फ्यूल का कम्बशन हो रहा है तो उसे हम इंटरनली फायर बोल देंगे। तो ये हमारा दो टाइप के बॉयलर हो गए अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ फायरिंग सिस्टम। चौथा क्लासिफिकेशन वाटर सर्कुलेशन की बेस पे करेंगे कि बॉयलर के अंदर किस तरीके से वाटर सर्कुलेशन हो रहा है। तो मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन
तो वाटर सर्कुलेशन के बेस पे करेंगे तो एक नेचुरल तरीका होता है कि बाई द नेचुरल वे, जैसा कि वेबकॉक विलकॉक्स टाइप के बॉयलर में होता है नेचुरल सर्कुलेशन, कि बिना किसी पंप की मदद से हम वाटर का सर्कुलेशन कर सकते हैं। दूसरा रहता है फोर्स सर्कुलेशन, तो फोर्स सर्कुलेशन मतलब कि हमें कई बार वाटर को पुश करना पड़ता है वहां पे जो फंक्शनिंग हो रही है स्टीम को जनरेट करने के लिए, तो वो फोर्स सर्कुलेशन होते हैं। तो ये लो कैपेसिटी के बॉयलर रहते हैं नेचुरल सर्कुलेशन, जहां पे कि हमें जरूरत नहीं पड़ती किसी भी पंप की। और फोर्स सर्कुलेशन में हमें वहां पे यूज करते हैं जहां पे हाई कैपेसिटी पावर प्लांट वर्क करता है, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में हमें स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद हमारा है नेचर ऑफ सर्विस के बेस पे, किस तरीके से हम उसको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं बॉयलर की। तो पहली कंडीशन है स्टेशनरी बॉयलर की, यदि बॉयलर अपनी जगह पे फिक्स है रखा हुआ है तो उस टाइम पे किसी भी तरीके से हम उसको मूव नहीं करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और वहां पे यदि स्टीम जनरेट हो रही तो इसे स्टेशनरी बॉयलर बोलते हैं। दूसरा है पोर्टेबल बॉयलर, यदि उसको एक जगह से दूसरे जगह पे उठा के रख सकते हैं तो वो पोर्टेबल बॉयलर होता है। और तीसरा होता है मोबाइल बॉयलर, तो मोबाइल बॉयलर को हम उस बॉयलर को बोलते हैं जो हम एक जगह से दूसरे जगह पे लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके उसको यूज कर सकते हैं, स्टीम को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम मोबाइल टाइप का बॉयलर बोलते हैं। जैसे कि आपका मैराइन बॉयलर या लोकोमोटिव बॉयलर जो है, ये सब जो होते हैं मोबाइल टाइप के बॉयलर होते हैं। तो मैराइन बॉयलर एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, मैराइन एंड लोको मोटिव बॉयलर। फिर सिक्स नंबर पे है नेचर ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट के बेस पे हम कर सकते हैं क्लासिफिकेशन बॉयलर का। तो ड्रॉट का बेसिकली काम होता है प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करना, तो यदि ये प्रेशर डिफरेंस है नेचुरल तरीके से क्रिएट हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे नेचुरल ड्रॉट, जैसे कि चिमनी ड्रॉट भी बोलते हैं, चिमनी ड्रॉट। और यदि प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हमें पावर की जरूरत पड़ रही है या शक्ति की जरूरत पड़ रही है तो उसे हम फोर्स ड्रॉट बोलते हैं। और फोर्स ड्रॉट जो है ये क्रिएट किया जाता है बाय द आर्टिफिशियल मैनर, यानी कि फोर्स ड्रॉट को हमें प्रोड्यूस करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हम यूज करते हैं। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि फोर्स ड्रॉट जो है वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे ब्लोअर स्टीम जेट टाइप के वर्किंग सब्सटेंस यूज होते हैं, यानी कि पंखा भी लगा हो वहां पे या ब्लोअर लगा हो या स्टीम जेट टाइप के इस तरह के सराउंडिंग मीडियम हो, वहां पे हम इस टाइप के बॉयलर को यूज करते हैं, तो फोर्स ड्रॉट का कहलाता है। उसके बाद अगला जो क्लासिफिकेशन है उसमें है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ट्यूब, नंबर ऑफ ट्यूब के बेस पे कर सकते हैं। तो पहला सिंगल ट्यूब जो कि वर्टिकल बॉयलर होता है, इसे सिंगल ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। दूसरा मल्टीपल ट्यूब, जिसमें कि मल्टीपल ट्यूब एक से ज्यादा ट्यूब यदि इस्तेमाल होती है तो उसे डबल ट्यूब नहीं बोलते, उसे मल्टीपल ट्यूब बोलते हैं। तो सिंगल ट्यूब यानी सिंगल वर्टिकल बॉयलर, यानी कि सिंपल वर्टिकल बॉयलर जो होता है ये इसमें आता है, जबकि जो मल्टीपल ट्यूब बॉयलर है ये एग्जाम्पल में लोकोमोटिव वेबकॉक विलकॉक्स जितने भी बॉयलर हैं इस टाइप के, ये सब हमारे मल्टीपल ट्यूब में आते हैं। उसके बाद प्रेशर ऑफ स्टीम के बेस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो प्रेशर ऑफ स्टीम जो है होती है, यदि बॉयलर से स्टीम जो है लो प्रेशर पे जनरेट हो रही तो उसे लो प्रेशर स्टीम बॉयलर बोल सकते हैं, और ये बिलो 100 bar पे रहती है लो प्रेशर बॉयलर। तो लो प्रेशर बॉयलर नॉर्मली कोकरान बॉयलर, वेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर, लंकाशायर लोकोमोटिव जितने भी हैं ये लो प्रेशर बॉयलर में आते हैं। जबकि दूसरा जो हाई प्रेशर बॉयलर है, जिसमें कि हम बात करते हैं 100 pressure से अबव, हाई प्रेशर बॉयलर अबव 100 bar उस पर यदि वर्क करवा रहे हैं तो हाई प्रेशर बॉयलर कहलाता है। और हाई प्रेशर बॉयलर नॉर्मली हमारे कॉर्निस है, वेलॉक्स है, लॉमॉन्ट है, बेंसन बॉयलर है, ये सारे बॉयलर हमारे उसमें आते हैं। बॉयलर सेल मटेरियल के हिसाब से भी देखेंगे तो उसके हिसाब से भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, बॉयलर सेल मटेरियल के हिसाब से भी हम देखें तो कास्ट आयरन का बॉयलर होता है जिसे कि CI बोलते हैं, दूसरा स्टील का बॉयलर होता है, और तीसरा बॉयलर जो होता है वो कोक्स
कॉपर और स्टेनलेस स्टील का होता है। तो ये बॉयलर भी इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील का होता है। कास्ट आयरन बॉयलर जो है लो प्रेशर बॉयलर कहलाते हैं और स्टील वाले हाई प्रेशर बॉयलर कहलाते हैं। और जो मिनीचर टाइप के बॉयलर हैं वो कॉपर और स्टेनलेस टाइप के बॉयलर कहलाते हैं, जहां पे कि स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है।